अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम आए थे मुंबई के फिनिक्स मॉल में, काफ़ी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि आपने एंट्रेंस में देखा, इतनी बड़ी सी ट्रक है और कितनी मतलब खूबसूरत लग रही थी। और ये देखिए, यहाँ भी ना बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। जैसे कि बाहर हम जाते थे मॉल वगैरह में, तो वहाँ पर मैं देखती थी कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड और काफ़ी ना सारी चीज़ें यहाँ पर भी वैसे ही है। जैसे कि आप देख सकते हो ये विक्टोरिया सीक्रेट, और ये बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर ना देख सकते हैं बैग वगैरह। काफ़ी बड़ा मॉल है और बहुत ही ना अच्छे अच्छे ब्रांड थे यहाँ पर भी। कुछ तो मुझे पता थे और कुछ ना मेरे बच्चों को पता थे, तो वो बच्चे भी मुझे बता रहे थे कि मम्मी यहाँ पर भी ना सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर प्राइस में ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। थोड़ी सी ना आवाज़ मेरी आप लोगों को ख़राब लग रही होगी, तो मौसम के हिसाब से बस यही आजकल चल रहा है हर किसी का। और जैसे मैं आपको प्राइस की बात बता रही थी, तो वहाँ की प्राइस में और यहाँ की प्राइस में ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क लगा, क्योंकि आपको ना वहाँ पर भले रियाल में पे करना पड़ता है, मगर यहाँ के प्राइस के हिसाब से ना वहाँ पर हमें बहुत ही कम प्राइस में ना अच्छी चीज़ें मिल जाती है। अच्छी तो यहाँ पर भी है, मगर बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में और ओरिजिनल चीज़ें ना आपको वहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर ना हमें सारी कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी, और मैं हर चीज़ों का ना काउंट कर रही थी रियाल के हिसाब से, फिर भी हमें वहाँ पर ना कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती। ये सारी चीज़ें वहाँ पर तो खैर नहीं मिलती है इस तरीके की ज्वेलरी वगैरह, मगर चीज़ें वहाँ पर भी मिल जाती है। और ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर ना सेट वगैरह थे। अंदर मैं इसलिए नहीं जा रही थी कि मुझे कुछ भी ख़रीदना नहीं था, और सिर्फ मैं प्राइस में ना डिफरेंट देख रही थी कि यहाँ के प्राइस में और वहाँ के प्राइस में क्या फ़र्क है। आप भी जब कहीं और जाते होगे किसी और कंट्री में, तो खैर इंडिया तो हम यहाँ पर ही रहते हैं, मगर आप किसी और कंट्री में जाते होगे और वहीं पे आप रहते होगे, फिर आप इंडिया आते होगे, तो ज़रूर आप ना प्राइस में देखते होगे कि वहाँ के प्राइस में और यहाँ के प्राइस में क्या फ़र्क है। तो मैं भी इसी तरीके से कर रही थी कि चीज़ों को जाकर देख रही थी, बड़े बड़े ब्रांड की चीज़ें, और फिर ना मैं काउंट कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ़ोन वगैरह, मोबाइल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ना यहाँ पर थी, तो मेरे ख्याल में पता नहीं वीडियो बना सकते थे या नहीं, पर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारी जगह ना यहाँ पर अलाउड नहीं होता है वीडियो बनाना, तो पहले ही से मैंने ना वहाँ पर कैमरा ऑफ कर दिया। और ये देखिए, काफ़ी बड़ा मॉल और बहुत सारी यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी जो कि हमें वहाँ पर नहीं मिलती है खैर, और मगर यहाँ पर भी ना मुंबई में सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है और हर चीज़ें आपको ना यहाँ पर भी मिल जाती है। तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा मॉल था ये भी। तो हमने तो खैर सारा कुछ नहीं घूमा, थोड़ा बहुत हम घूमे फिरे और मैंने ना थोड़ी बहुत ही वीडियो बनाई। और ये देखिए, बहुत खूबसूरत मॉल है, यहाँ पर सैलून, स्पा वगैरह सब कुछ है। और इसके भी देख सकते हैं आप लोग, प्राइस वगैरह भी अंदर थे, पर मैं अंदर नहीं गई, बस मैं बाहर से ही सारी चीज़ें देख रही थी, तो सोचा कि ना मैं आज वीडियो बनाकर आपसे भी यहाँ के मॉल को भी शेयर कर लूँ, जो मुंबई में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, तो उन्हें भी ना पता चल सके कि यहाँ पर भी, हमारे मुंबई में भी सब कुछ मिलता है। और ये देखिए, अब मैं जा रही थी बाथ एंड बॉडी वर्क में, क्योंकि यहाँ पर से ना मैं बहुत सारी चीज़ें ना सऊदी अरब में ख़रीदती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर ना ग्रॉसरी वगैरह आप कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर भी। क्या ये?
मार्केट के पास। यहाँ पर एवोकाडो कैसा कीजिए? छोटा सा ये ब्लॉग था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।